हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारी जो साइट के अंदर हम लोगों ने तो एक साइट बना दी है, इस तरह की एक अच्छी लुकिंग साइट बना दी है। यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करी है जो कि गिफ यहाँ पे ऐड करी है और लिंक्स वगैरह हम लोगों ने ऐड कर चुके हैं। बट यहाँ पे ये जो मेनू के अंदर, इस मेनू के अंदर अभी तक कोई भी लिंक नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी हम लोगों ने लिंक ऐड नहीं की है। यहाँ पे देखो, अगर लिंक ऐड होता तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए हम लोगों को दिखाई देता, मगर यहाँ पे कुछ भी लिंक वगैरह ऐड नहीं किया गया है। तो उसके अंदर हम लोग लिंक ऐड करेंगे। और एक चीज़ हम लोग करने वाले हैं आज, अगर आपकी एक ई कॉमर्स साइट है, ओके, अगर आपकी एक स्टोर है और स्टोर के अंदर आप अगर आपको आपकी लोकेशन ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड कर सकते हो। मतलब अगर आपकी लोकेशन को आपको शेयर करना है, आपकी वेबसाइट के अंदर डालना है, तो कैसे उसको लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल पहली चीज़ हम लोग करेंगे क्या, तो पहली चीज़ ये रहा, हम लोग इसके अंदर लिंक ऐड करेंगे। ओके, इसके अंदर लिंक ऐड करेंगे कैसे, ये इस तरह के मतलब लिंकेबल मतलब बटन यहाँ पे आ जाएगी। मतलब लिंक अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ये पेज ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई पेज हम लोगों ने ऐड नहीं किया, इसलिए ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था इस तरह की, यहाँ पे हम लोग करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को हम लोग को कंप्लीट करना है। ओके, तो पहले हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे होम, पहले हम ऐड करते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, हमारा जो कि होम को ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग अभी होम, ओके, ऐड करेंगे, यहाँ पे होम लिखेंगे और यहाँ पे जो होम था इसको अभी डिलीट करेंगे। सेव करा मैंने और अभी आउटपुट देखेंगे। ये देखो, जो चीज़ हम लोगों ने अभी की है, यहाँ पे होम यहाँ पे ऐड करी है। देखो, यहाँ पे मैं कर्सर अगर ले जाता हूँ, माउस ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको किस तरह क्यों दिखाई देने को मिलता है। ओके, है ना, एक नई पेज भी ओपन हो रहा है, ये देखो। अभी हम लोग उसके अंदर कुछ मतलब ऐड की नहीं, तो इसीलिए ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे लिंक के तरह ये काम ऑलरेडी करने लगी है। तो ये सेम चीज़ हम लोगों ने इसके साथ जो की है ना, वही सेम चीज़ हम लोग को अभी करते जाना है। ओके, तो वही ऐड और उसके बाद सेव करा मैंने, वही सेम चीज यहाँ पे भी हमको करना है। ओके, ये देखो, ये हो गया। और कॉन्टैक्ट अस को वही इस तरह से आप लोग को करना पड़ेगा, ये ओके। और एक रहा फीडबैक, कॉपी करा मैंने, ये हो गया, सेव करा मैंने। और उसके आउटपुट फिर आप देखो, जो कि सारी की सारी चीज हम लोगों ने अभी ऐड करा, अभी वो लिंक की तरह दिखाई देने लगी है। और चाहे तो उसकी कलर को हम लोगों ने भी चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली। ऐसा नहीं कि हम लोग कलर को चेंज नहीं कर सकते, हम लोग उसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग और एक चीज़ हम लोग को करना था क्या, हम लोग अभी करना था यहाँ पे हम लोग हमारे जो लोकेशन ऐड करना था। ओके, गूगल मैप को यहाँ पे ऐड करना था। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और सर्च करेंगे गूगल मैप। ओके, गूगल मैप मैंने सर्च किया और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, जैसे गूगल मैप आती है यहाँ पे हम लोग इस तरफ आ जाती है। ओके,
इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो गूगल मैप को ऐड करेंगे इस डिव के अंदर ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आ चुकी है गूगल मैप। तो उसके अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे, हमारी लोकेशन ऐड करेंगे। तो लोकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके। यहाँ पे मैंने ऐड किया, मैंने सर्च किया, मेरी लोकेशन सर्च की। ओके, मैं रैंडमली कोई भी लोकेशन ले रहा हूँ, मेरी खुद की लोकेशन मैं नहीं ले रहा हूँ रैंडमली, आपको दिखाने के लिए। आप खुद की लोकेशन ऐड करना चाहो तो कर सकते हो वेरी इजीली। कैसे वो यूज़ करना पड़ेगा मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने गया, और इस तरह की अगर लोकेशन देना चाहते हो आप वेरी इजीली दे सकते हो, उसका कोई नहीं। ओके, अगर चाहो तो आप सेटेलाइट इस तरह से देना चाहते हो, मतलब ये देखो सेटेलाइट मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे इस तरह की अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह भी दे सकते हो। तो मैंने आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो शेयर की बटन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ओके, और आपकी यहाँ पे एम्बेडेड मैप के ऊपर क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे मीडियम दिखा रहा है, यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे उसके हिसाब से जो भी आपकी साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपकी साइज़। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 250, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 1 200 ऐड कर रहा हूँ। ओके, और मैं पे कॉपी HTML किया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे जो मैं हटा दिया था ना उसी के ऊपर मैं इसे ऐड करूँगा। उसे सेव करा मैंने, अभी देखो उसके आउटपुट देखो, ये ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने ऐड किया था ना, वही ब्लॉक के अंदर वो मैप अभी आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो वही मैप के अंदर हमारे जो लोकेशन हम लोगों ने ऐड किया था, अभी ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे जो हम लोगों ने हमारे लोकेशन यहाँ पे डाला था, ये देखो ये जो लोकेशन है यहाँ पे वही सेम चीज़ आ चुकी है। अगर कोई आपकी लोकेशन को ढूंढ के आना चाहता था तो यहाँ पे वो व्यू लार्ज मैप के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा ना वो सिंपल वो मैप के अंदर आ जाएगा। वो मोबाइल पे ओपन करता होगा या लैपटॉप में या पीसी में जो भी हो, यहाँ पे उसको आपकी लोकेशन दिखाई देगा। वो जैसे ही डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा वो ना, बस वो चलने लगेगा। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो आपकी साइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर अगर आप ऐड करना चाहो। ओके, यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करता हूँ, ब्लॉक को हटा के मैं मैप कर देता हूँ। ओके, माय लोकेशन ऐड करता हूँ, माय लोकेशन ये अच्छा रहेगा है ना। तो मैंने ऐड किया, सेव किया, ये देखो माय लोकेशन। ओके, तो उसके अंदर यहाँ पे जो नीचे में आ जाएगी उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो इस तरह अगर आपके पास एक ई कॉमर्स साइट है तो इस तरह से अगर आप लगा सकते हो। ओके, उसके लिए आपको एक सेपरेट डिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छोटा मैप अगर आप किसी को प्रोवाइड कर तो उसमें समझना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मगर अच्छी है। ओके, ये मैं दिखाने के लिए आपको बताया हुआ हूँ। तो अगर आपको बड़ी सी मतलब ज़्यादा स्पेस होगी तो आप डाल सकते हो फिर इजीली। अगर हम लोग ये 2 DB को यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे डालना चाहते तो भी डाल सकते हैं वेरी इजीली। तो इस तरह आप जो गूगल मैप हो या यहाँ पे लिंकिंग करना हो, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना हो, ओके, इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, तो वीडियो को मिस मत करिएगा, और ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करो।